आज गांधी जयंती के मौके पर झुंझुनू जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक मुरारी सैनी के संयोजन में आज सुबह शहीद स्मारक से लेकर गांधी पार्क तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको सांसद नरेंद्र कुमार व जिला कलेक्टर यूडी खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन जिला परिषद, नगर परिषद, रोडवेज, बस डिपो, जेपी जानू स्कूल, शाह मार्केट होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां पर अतिथियों के साथ साथ सभी युवाओं ने भी गांधी जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इसके बाद स्काउट गाइड की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, जिसमें गांधी जी के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र की ओर से एक स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर ASP वीरेंद्र मीणा समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज महात्मा गांधी जी को गांधी जयंती पर नमन करता हूँ। आज 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान को मोदी जी ने आदेश जारी किए हैं कि स्वच्छता अभियान को एक तरह से अपनी दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में डालना है। और जो अमृत महोत्सव 70 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव के रूप में 70 वर्ष गांव को आज़ादी के अमृत महोत्सव रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये हम 15 अगस्त, अगले 15 अगस्त तक मनाएंगे एक वर्ष। आज अमृत महोत्सव के रूप में आज बच्चों को आधे घंटे योग करना, मतलब आप स्वस्थ रहोगे तभी आपको स्वस्थ रखो। मोदी जी का सपना है कि भारत यदि स्वस्थ होगा, स्वच्छता अभियान आदरणीय गांधी जी ने, विवेकानंद जी का सपना था कि गरीबी और गंदगी देश से मिटानी है, और उसको आगे उनके सपने को पूरा करने का जो काम किया है वो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत स्वस्थ होगा और विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी का जो आह्वान है कि भारत हमारा देश स्वच्छता में पहले नंबर पर आए, वो निश्चित रूप से आएगा इन युवाओं के सहयोग से। सारे पूरे देश के सहयोग में मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि सबका प्रयास होगा भारत निश्चित रूप से स्वस्थ बनेगा। गांधी जी के सपने पूरे होंगे, विवेकानंद जी के सपने पूरे होंगे, आदरणीय मोदी जी ने जो निर्देश दिए वो भी निश्चित रूप से पूरे होंगे। ये भारत सर्व विश्व गुरु बनेगा और आत्मनिर्भर बनने में इस स्वच्छता अभियान का बहुत ही सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत। 2 अक्टूबर को सर्व धर्म सभा और प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। इसमें लोगों ने, आम लोगों ने, छात्रों ने, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ये लोगों का जुड़ाव इस बात का सबूत है कि गांधी जी की जो विचार हैं, गांधी जी की जो विचारधारा है, जीवन दर्शन है, जीने का तरीका है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको लोग अडॉप्ट करते हैं और जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश और विश्व में शांति हो, सबका भला हो, इस संदर्भ में गांधी जी की जो दर्शन हैं, गांधी जी की जो विचार हैं महत्वपूर्ण हैं। हम सबको उन विचारों को अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, दूसरों की भलाई में, दूसरों का लाभ देने के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए प्रयास करना चाहिए।